Hello students, today we are going to discuss our next topic. The topic is ascending order. Ascending order yani ki badhte kram mein jab hum numbers ko likhte hain to use ascending order kehte hain. Theek hai, badhte kram mein yani ki chote se bade ki or, sabse pehle chota number, fir usse bada, bada, bada aur sabse bada. Theek hai, the question is राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. जो नंबर्स हैं आपको उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्या है. 5858, 5892, 5875, 5889, 5895. ठीक है, काफ़ी बड़ी डिजिट्स हैं, तो आपको क्या देखना है, पहले थाउजेंड्स वाले हम देखते हैं. थाउजेंड क्या है, यहाँ पर भी 5000 है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, 5, 5. तो यहाँ पर थाउजेंड सेम है. हंड्रेड्स में देखते हैं, 800, 800, 800, 800, 800. हमें क्या करना है, इन दो नंबर्स से देखना है कि कौन सा इनमें से नंबर सबसे छोटा है. ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पर है 58, 92, 75, 89, 95. सबसे छोटा है 58, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे छोटा 5858. सिंबल लगाएंगे यहाँ पर लेस देन का. अब इससे बड़ी डिजिट कौन सी है, 58 के बाद कौन सी है, यहाँ पर 75. हम लिख देंगे 5875. इसके बाद कौन सी है बड़ी डिजिट, 92, 89, 95, 89. हम लिखेंगे 5889. इससे बड़ी कौन सी नंबर है, 92, तो यहाँ पर लिखेंगे 5892. और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा है, 5895. सेकेंड हम करेंगे अब 79,427, 79,477, 79,428, 79,405, 79,420. हम देख सकते हैं यहाँ पर 79,400, यहाँ तक सब में क्या है, सेम नंबर्स है. तो हमें लास्ट के टू नंबर्स देखने हैं और उसके अकॉर्डिंग सबसे छोटा नंबर हम लिखेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए. ठीक है, तो सबसे नंबर छोटा यहाँ पर है 05, तो हम लिखेंगे 79,405. अब इससे बड़ा देखेंगे 27, 77, 28, 20 है 79,420. अब इससे बड़ा देखेंगे, दैट इज 27, तो लिखेंगे 79,427. सिंबल इसके बाद इससे बड़ा है 28, 79,428. और सबसे बड़ा है यहाँ पर 79,477. ठीक है, थर्ड देखते हैं हम अब, 25,389, 25,384, 25,416, 25,439, 25,390. ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 25,000. हंड्रेड्स में डिफरेंस है. ठीक है, हंड्रेड्स में यहाँ पर डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, हंड्रेड्स से चेक करेंगे. दिस इज 389, 384, 416, 439, 390. सबसे छोटा कौन है यहाँ पर, 384. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25,384. इससे बड़ा कौन है, 25,389. इससे बड़ा कौन है यहाँ पर, 25,390. इससे बड़ा कौन है यहाँ पर, 25,416. और सबसे बड़ा है यहाँ पर 25,439. नेक्स्ट हम फोर्थ देखेंगे, 60,201, 60,236, 60,180, 60,189, 60,242. यहाँ पर सब में कॉमन क्या है, 60,000. हंड्रेड्स में चेंज है, तो हम हंड्रेड से देखेंगे कि सबसे छोटे नंबर कौन सा है, तो दैट इज
180. तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 60,180. अब कौन है इनमें से सबसे छोटा? दैट इज 60,189. अब कौन है नेक्स्ट? 60,201. नेक्स्ट कौन है हमारे पास? 60,236. और सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 60,242. नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ, 41,671, 41,673, 41,666, 41,597, 41,630. यहाँ पर इनमें कॉमन क्या है? 41,000, हंड्रेड्स में चेंज है, तो हम हंड्रेड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे सबसे छोटा नंबर. तो ये क्या है? सब में 600, 600, 600, 600, यहाँ पर है 500, तो ये वाला सबसे छोटा नंबर है. हम लिखेंगे 41,597. अब कौन है सबसे छोटा नंबर? दैट इज 41,630. इसके बाद कौन है? 41,666. इसके बाद कौन है छोटा नंबर? 41,671. और सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर 41,673. अब हम करते हैं नंबर 6,228, 6,214, 6,283, 6,287, 6,221. यहाँ पर कॉमन क्या है? 6,000 और 200, यानी कि हमें लास्ट के टू नंबर्स देखने हैं. 28, 14, 83, 27, 21. सबसे छोटा कौन है यहाँ पर? 6,240. अब कौन है सबसे छोटा? 6,221. अब कौन है सबसे छोटा? 6,227. नेक्स्ट कौन है? 6,228. और सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर 6,283. नंबर 7 हम करेंगे 62,340, 62,349, 62,313, 62,283, 62,285. यहाँ पर कॉमन क्या है? 62,000. हम हंड्रेड्स में देखेंगे कौन सबसे छोटा है. 340, 349, 313, 283, 285. कौन सा है सबसे छोटा? 283. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 62,283 सिंबल. उसके बाद है ये 62,285 सिंबल. इसके बाद कौन है? 62,313. नेक्स्ट 62,340. और सबसे बड़ा नंबर आ गया हमारे पास 62,349. नंबर 8 हम करेंगे 95,043, 95,061, 95,052, 95,082, 95,075. यहाँ पर कॉमन क्या है? 95,000 कॉमन है, ज़ीरो है, हंड्रेड्स में नहीं है. ठीक है, तो फिर हमें लास्ट के टू नंबर्स ही देखने हैं. लास्ट के नंबर्स हैं 43, 61, 52, 82, 75. सबसे छोटा कौन हो गया यहाँ पर? दैट इज 95,043. अब इसको हटा के छोटा कौन है यहाँ पर? 95,052. अब इन दोनों को हटा के कौन है? 95,061. एंड सेकेंड लास्ट कौन है? 95,075. और सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर 95,082.
टू. ओके, सो ये असेंडिंग ऑर्डर हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गई. प्रैक्टिस के लिए आपको स्क्रीन पर एक्सरसाइजेस दिखाई देंगी. पहले आपको इसे ध्यान से समझना है, ठीक है? इजी वे में आपको करना है, अच्छे से सॉल्व. थैंक यू.